टेन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज कॉमर्स का पार्ट टेन है ये, और इसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ महत्वपूर्ण कॉमर्स के क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट हैं यूजीसी नेट के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स के एग्ज़ाम के लिए और पीजीटी टीजीटी एग्ज़ाम्स के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहले मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, ये किसी ने भेजा है मेरे पास क्वेश्चन कि इंडियन करेंसी नोट इज अ, इंडियन करेंसी नोट क्या है, एक प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, बैंक ड्राफ्ट या चेक। तो इसमें जो सही जवाब होना चाहिए वो प्रॉमिसरी नोट है, क्योंकि टेक्निकली जो करेंसी नोट है इंडिया का उसमें लिखा होता है कि आई प्रोमिस टू पे। तो जब क्योंकि इसमें लैंग्वेज लिखी हुई है एक प्रॉमिस की तरह, तो टेक्निकली ये एक प्रॉमिसरी नोट है। इसके अलावा ना ये कोई बिल ऑफ एक्सचेंज है, ना बैंक ड्राफ्ट है, ना चेक है। तो इसमें इसका जवाब सही होगा प्रॉमिसरी नोट। हालांकि अगर लीगली देखेंगे तो लीगली ये प्रॉमिसरी नोट भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इंडिया में जो इंडियन करेंसी नोट है ये इंडियन करेंसी एक्ट के अंडर आता है, जबकि जो प्रॉमिसरी नोट है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर आता है। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में सेक्शन 4 में डिफाइन किया गया है प्रॉमिसरी नोट को, तो वहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि अ प्रॉमिसरी नोट इज ए राइटिंग नॉट बीइंग ए बैंक नोट और करेंसी नोट। साफ साफ लिखा है कि ना बैंक नोट है ना करेंसी नोट है। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग साइंड बाई द मेकर टू पे ए सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ ए सर्टेन पर्सन और द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो डेफिनेशन का अगर मीनिंग निकालेंगे तो एकदम ये सटीक बैठता है टेक्निकली इंडियन करेंसी नोट पे भी, लेकिन चूंकि एक्ट में जो डेफिनेशन दी गई है उसी में मना किया गया है, तो एज पर लॉ इंडियन करेंसी नोट इनमें से कोई भी नहीं है। लेकिन क्योंकि नन ऑफ द अबव कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए इनमें से जो बेटर, क्योंकि टेक्निकली ये जो डेफिनेशन है पूरी की पूरी शूट करती है करेंसी नोट की, करेंसी नोट पे, इसलिए इसको प्रॉमिसरी नोट माना जा सकता है। खैर तो अभी के लिए इसका जवाब टेक्निकली मेरे हिसाब से ये सही है, प्रॉमिसरी नोट है इंडियन करेंसी नोट, और लीगली इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो आगे देखते हैं आज के जो क्वेश्चन है उनमें सबसे पहला क्वेश्चन है ई कॉमर्स डज नॉट इंक्लूड, ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं बुक के, उन्हीं को डिस्कस करेंगे। ई कॉमर्स डज नॉट इंक्लूड, ई कॉमर्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में इनमें से कौन सा शामिल नहीं है। ऑप्शन ए है अ बिजनेसेस इंटरेक्शंस विद इट्स सप्लायर्स, एक बिजनेस के इंटरेक्शन उसके सप्लायर्स के साथ। अ बिजनेसेस इंटरेक्शंस विद इट्स कस्टमर, एक बिजनेस का इंटरेक्शन उसके कस्टमर्स के साथ। इंटरेक्शंस अमंग द वेरियस डिपार्टमेंट्स विद इन द बिजनेस, बिजनेस के अंदर ही बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं उनके आपस में इंटरेक्शन। इंटरेक्शन अमंग द ज्योग्राफिकली डिस्पर्स्ड यूनिट्स ऑफ बिजनेस, एक बिजनेस की पूरे ज्योग्राफिकली मतलब अलग अलग एरियाज में फैली हुई यूनिट्स के आपस में इंटरेक्शन। तो इसमें सही जवाब कौन सा है सोच लीजिए, कौन सा इनमें शामिल नहीं है, ई कॉमर्स के अंदर कौन सा नहीं आता है। सही जवाब इसका होगा सी, यानी कि जो इंटरेक्शंस वेरियस डिपार्टमेंट्स में होता है एक ही बिजनेस के अंदर वो इसके अंदर शामिल नहीं होता है, बाकी तीनों ई कॉमर्स में आते हैं। ई कॉमर्स क्या है, ई कॉमर्स का मतलब होता है जब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज या ट्रांसमिटिंग ऑफ फंड्स और डेटा या कोई कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के द्वारा या प्राइमरीली इंटरनेट के द्वारा जब भी होगा तो उसको ई कॉमर्स में शामिल किया जाएगा। बिजनेस ट्रांजेक्शंस जो अकर होती हैं इसके अंतर्गत, ई कॉमर्स के अंतर्गत, वो हो सकती हैं B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस, B2C बिजनेस टू कंज्यूमर या C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर। नेक्स्ट देखते हैं आउटसोर्सिंग, आउटसोर्सिंग इनमें से क्या है। ऑप्शन है ए रिस्ट्रिक्ट्स ओनली टू द कॉन्ट्रैक्टिंग आउट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज ITES, मतलब आउटसोर्सिंग ऐसी चीज़ है जो केवल इसी तक सीमित है, इसमें आउटसोर्सिंग में केवल इसी को शामिल किया जाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज को कॉन्ट्रैक्ट पे देने पे। नेक्स्ट रिस्ट्रिक्ट ओनली टू द कॉन्ट्रैक्टिंग आउट ऑफ नॉन कोर बिजनेस प्रोसेसेस, मतलब ये रिस्ट्रिक्ट है, सीमित है केवल नॉन कोर एक्टिविटीज को कॉन्ट्रैक्ट पे देने से।
नेक्स्ट है इंक्लूड्स कॉन्ट्रैक्टिंग आउट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड R&D एज वेल एज सर्विस प्रोसेसेस बोथ कोर एंड नॉन कोर बट रिस्ट्रिक्ट ओनली टू डोमेस्टिक टेरिटरी। इसमें कहा गया है कि इसमें शामिल होता है कॉन्ट्रैक्ट पे देना मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च एंड डेवलपमेंट की एक्टिविटीज को, साथ ही साथ सर्विस प्रोसेसेस को, चाहे वो कोर प्रोसेसेस हैं चाहे नॉन कोर बिजनेस प्रोसेस है, लेकिन सीमित है केवल डोमेस्टिक टेरिटरी तक। और नेक्स्ट ऑप्शन है इंक्लूड्स ऑफशोरिंग, इसमें ऑफशोर यानी कि विदेशों से सेवा लेना भी शामिल है। तो देखते हैं सही जवाब इसमें से कौन सा है। सही जवाब है डी। देखिए ये रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं, मतलब इसमें यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, तो इन एरियाज तक रिस्ट्रिक्ट नहीं है, ये सब शामिल होता है आउटसोर्सिंग में। हाँ, इसका जो सटीक जवाब होता है वो इंक्लूड्स ऑफशोरिंग, ऑफशोर भी इसमें शामिल है, नेचुरली ऑफशोर भी शामिल है, विदेशी देसी दोनों शामिल है आउटसोर्सिंग में। बस काम को या अपने सर्विस को बाहर कराना है दूसरी संस्था से, उसी को आउटसोर्सिंग कहते हैं। आउटसोर्सिंग एक ऐसी बिजनेस प्रैक्टिस है जिसमें एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी या किसी दूसरे पर्सन को हायर करती है और हायर करके उससे कराती है अपना कोई भी टास्क, काम या ऑपरेशंस या सर्विसेज प्रोवाइड करती है या सर्विसेज लेती है, उसको आउटसोर्सिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है द पेमेंट मैकेनिज्म टिपिकल टू ई बिजनेस, वो पेमेंट मैकेनिज्म जो ई बिजनेस से रिलेटेड है उसके बारे में बताना, मतलब खास तौर पे वो ई बिजनेस में ही देखने को मिलता है। ऑप्शन है कैश ऑन डिलीवरी COD, बी चेक्स, सी क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स एंड डी ई कैश। तो इनमें से ऑप्शन देखेंगे, करेक्ट ऑप्शन है ई कैश, क्योंकि COD, चेक, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड ये सब हर तरीके के बिजनेस में मिल जाता है, ये जरूरी नहीं है ई बिजनेस में ही हो, ये ट्रेडिशनल बिजनेस में भी तीनों फैसिलिटी अवेलेबल रहती हैं, लेकिन ई कैश केवल ई बिजनेस में ही होता है, यही इसका सटीक आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं ये कॉल सेंटर हैंडल्स, एक कॉल सेंटर हैंडल करता है। ऑप्शन ए है ओनली इनबाउंड वॉइस बेस्ड बिजनेस, ओनली आउटबाउंड वॉइस बेस्ड बिजनेस, इनबाउंड मतलब आती है कॉल केवल, आउटबाउंड मतलब कॉल बाहर करते हैं केवल वॉइस, बोथ वॉइस बेस्ड एंड नॉन वॉइस बेस्ड बिजनेस, इसमें वॉइस बेस्ड और नॉन वॉइस बेस्ड बिजनेस दोनों शामिल रहता है। बोथ कस्टमर फेसिंग एंड बैक एंड बिजनेस, कस्टमर फेसिंग भी मतलब कस्टमर से फेस टू फेस बात करना और बैक एंड बिजनेस फेस टू फेस बात ना करके केवल कॉल के माध्यम से बात करना ही शामिल रहता है। तो कौन सा इसमें से करेक्ट ऑप्शन है बताना है। सही जवाब है बोथ वॉइस बेस्ड एंड नॉन वॉइस बेस्ड बिजनेस, दोनों तरीके का होता है इसमें। कॉल सेंटर एक ऐसा सेंट्रलाइज्ड ऑफिस होता है जो रिसीव करता है और ट्रांसमिट करता है, भेजता है लार्ज वॉल्यूम ऑफ रिक्वेस्ट बाय टेलीफोन, टेलीफोन के माध्यम से बहुत सी रिक्वेस्ट वो रिसीव भी करता है और भेजता भी है। एक इनबाउंड कॉल सेंटर उसको कहा जाता है जिसमें एक कंपनी इनकमिंग प्रोडक्ट सपोर्ट या इन्फॉर्मेशन इंक्वायरीज, कस्टमर्स की जो इन्फॉर्मेशन इंक्वायरी आती है उनको रिसीव करता है, मतलब कॉल रिसीव करता है। आउटबाउंड कॉल सेंटर वो होता है जो ऑपरेट करता है टेलीमार्केटिंग फैसिलिटी, सॉलिसिटेशन ऑफ चैरिटेबल और पॉलिटिकल डोनेशन, मतलब चैरिटेबल या पॉलिटिकल डोनेशंस को मांगने के लिए, डिमांड करने के लिए, डेट कलेक्ट करने के लिए या मार्केट रिसर्च करने के लिए, मतलब इसमें आउटबाउंड कॉल होती है। कॉल सेंटर में जो एम्प्लॉय बैठते हैं वो आम पब्लिक को या रिलेटेड पीपल को कॉल करते हैं, ये आउटबाउंड कॉल सेंटर होते हैं। नेक्स्ट है इट इज़ नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ ई बिजनेस, इनमें से कौन सा ई बिजनेस का यूज नहीं है, एप्लीकेशन नहीं है। पहला ऑनलाइन बिडिंग, ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट, ऑनलाइन ट्रेडिंग, कॉन्ट्रैक्ट R&D। तो इसमें देखना है सटीक जवाब कौन सा है, कॉन्ट्रैक्ट R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कॉन्ट्रैक्ट देना। ई बिजनेस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस का मतलब है कि बिजनेस प्रोसेसेस को कंडक्ट करना इंटरनेट के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से बिजनेस प्रोसेस जो होती हैं उनको कंडक्ट करना, उनको पूरा करना। तो ई बिजनेस में ऑनलाइन बिड लगाना भी आता है, प्रोक्योरमेंट करना भी आता है, ट्रेडिंग भी आता है, लेकिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट के काम को ऑनलाइन उसमें एप्लीकेशन नहीं होता। ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम अपने कंपनी में या प्रमिसेज में अपने रिसर्चर्स के माध्यम से कराना होता है। नेक्स्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज, ऑप्शन है सेम एज लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ब्रॉडर देन लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नैरोअर देन लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नन ऑफ देम। तो इसमें से सही जवाब है ब्रॉडर देन लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी से ब्रॉडर है उस सेंस में। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी
का मतलब तो होता है कि एक बिजनेस की पूरे समाज के प्रति रेस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व। अब चाहे उसमें लीगल हो, चाहे टेक्निक, चाहे लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी हो, चाहे लीगल के अलावा अपने एम्प्लॉयज़ के प्रति रेस्पॉन्सिबिलिटी हो, इसके अलावा अपने ओनर्स के प्रति रेस्पॉन्सिबिलिटी हो, गवर्नमेंट के प्रति रेस्पॉन्सिबिलिटी हो, जबकि लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी में केवल लॉ से रिलेटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है, कानूनों का पालन करना। तो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी जो वर्ड है वो ज़्यादा लार्ज है। नेक्स्ट है, इफ बिजनेस इज टू ऑपरेट इन ए सोसाइटी विच इज फुल ऑफ डाइवर्स एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स इट मे है, यानी कि अगर बिजनेस को एक सोसाइटी में ऑपरेट करना है, ऐसी सोसाइटी में जो फुल ऑफ डाइवर्स है, मतलब डिफरेंस बहुत ज़्यादा है उसमें और कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स है, समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, तो इससे क्या हो सकता है? लिटिल चांस ऑफ सक्सेस, ग्रेट चांस ऑफ सक्सेस, लिटिल चांस ऑफ फेलियर, नो रिलेशन विथ सक्सेस और फेलियर। मतलब इनमें से कौन सा ऑप्शन सटीक बैठता है कि अगर एक बिजनेस ऐसे एरिया में, ऐसी सोसाइटी में काम करता है जो डाइवर्स है और उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स है, तो वो कैसे अफेक्ट करेंगी उस बिजनेस को? तो इसका सटीक जवाब है लिटिल चांसेस ऑफ सक्सेस। ऐसा बिजनेस जो इस तरह की सिचुएशन में काम करेगा उसके यहाँ सफलता के चांस कम हो जाएंगे, बाकी ऑप्शन सही नहीं है। तो इससे रिलेटेड जो टॉपिक है वो है आर्ग्यूमेंट्स फॉर सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी सामाजिक उत्तरदायित्व के पक्ष में जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनमें ये आर्ग्यूमेंट्स आते हैं, जस्टिफिकेशन फॉर एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ फर्म, मतलब क्यों होना चाहिए सोशली रेस्पॉन्सिबल एक बिजनेस को, सोसाइटी के प्रति जिम्मेदार क्यों होना चाहिए, तो ये उसके कारण है। अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन, मेंटेनेंस ऑफ सोसाइटी, तो ये वाला यहाँ पे सूट कर रहा है, मेंटेनेंस ऑफ सोसाइटी। अगर सोसाइटी मेंटेनेंस रहेगी, सोसाइटी में जो बेटर कंडीशन रहेगी, माहौल रहेगा, तो बिजनेस के लिए अच्छा होगा, और अगर मेंटेनेंस ऑफ सोसाइटी बेटर नहीं होगा तो बिजनेस के चांसेज लिटिल हो जाएंगे सक्सेस के। बाकी हैं इसके अलावा अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज विद बिजनेस, कन्वर्टिंग प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज, होल्डिंग बिजनेस रेस्पॉन्सिबल फॉर सोशल प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट है, बिजनेस पीपल हैव द स्किल्स टू सोल्व, बिजनेस पीपल के पास स्किल होती हैं सोल्व करने के लिए, ऑल सोशल प्रॉब्लम, सम सोशल प्रॉब्लम, नो सोशल प्रॉब्लम या ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इसका सही जवाब होगा सम सोशल प्रॉब्लम। एक बिजनेसमैन के पास स्किल होती हैं बिजनेस करने के लिए, बिजनेस करने के माध्यम से वो कुछ सोशल प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकता है, जैसे लोगों को रोजगार दे सकता है, इसके अलावा लोगों को सही सामान प्रोवाइड करा सकता है, लेकिन सभी की सभी सोशल प्रॉब्लम्स उसके बस की नहीं होता है बिजनेस पीपल के अंडर। तो सोशल प्रॉब्लम्स वो जनरल फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट करते हैं, डैमेज करते हैं सोसाइटी को, उनको कहा जाता है सोशल प्रॉब्लम। सोशल प्रॉब्लम नॉर्मली टर्म यूज किया जाता है डिस्क्राइब करने के लिए ऐसी प्रॉब्लम्स को जो लोगों में किसी एक पर्टिकुलर एरिया या ग्रुप से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट है, एन एंटरप्राइज मस्ट बिहेव एज ए गुड सिटीजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ इट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवार्ड्स, एक बिजनेस की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है टुवार्ड्स डिफरेंट ग्रुप्स। तो इसमें बताना है कि एक एंटरप्राइज को एक गुड सिटीजन की भांति बिहेव करना चाहिए, ये कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी की प्रति इंगित करता है, बताता है? ऑप्शन है ओनर, वर्कर, कंज्यूमर, कम्युनिटी। तो किसके प्रति ये एक बिजनेस की जिम्मेदारी बनती है? ये जिम्मेदारी बनती है कम्युनिटी के प्रति। रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवार्ड्स द गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी में आता है कि इट मस्ट बिहेव एज ए गुड सिटीजन एंड एक्ट अकॉर्डिंग टू द वेल एक्सेप्टेड वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी। मतलब एक व्यवसाय की सरकार और कम्युनिटी के प्रति ये जिम्मेदारी बनती है कि उसको एक अच्छे सिटीजन की भांति व्यवहार करना चाहिए और जो सोसाइटी की वैल्यूज हैं उनका आदर करना चाहिए। इसके अलावा इट मस्ट प्रोटेक्ट द नेचुरल एनवायरनमेंट एंड शुड अवॉइड बैड एफ्लुएंट स्मोकी चिमनीज, अगली बिल्डिंग, डर्टी वर्किंग कंडीशन। एक व्यक्ति को नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए और उसको अवॉइड करना चाहिए इस टाइप के बैड एफ्लुएंट स्मोकी चिमनीज वगैरह या अगली बिल्डिंग, डर्टी वर्किंग कंडीशंस, इन सबको अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज के सीरीज का, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कैन बेस्ट बी डन बाय द एफर्ट्स ऑफ, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन किया जा सकता है किसके एफर्ट के द्वारा, बिजनेस पीपल, गवर्नमेंट, साइंटिस्ट या ऑल द पीपल? तो इसमें सही ऑप्शन होगा ऑल द पीपल। जब सभी करेंगे तब प्रोटेक्शन होगा एनवायरमेंट का, क्योंकि सिंस द क्वालिटी ऑफ एनवायरमेंट इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, हमारे सबके लिए एनवायरमेंट जरूरी है, बेटर एनवायरमेंट होना, तो इसलिए हमारी ये कलेक्टिव
रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे बिजनेस एंटरप्राइज है, चाहे कंज्यूमर है, चाहे वर्कर है, सभी की जिम्मेदारी बनती है बिजनेस को पॉल्यूट होने से, एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाना। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चंस। थैंक यू। सब्सक्राइब फॉर रेगुलर प्रैक्टिसेस।